गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे आई विल टीच यू मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ाऊंगी। बेटा ओपन योर बुक। स्टूडेंट्स, बेटा चैप्टर वन चल रहा था आपका, तो निकालिए चैप्टर वन। लेट्स रिवाइज। लेक्चर टू, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए, फिल स्किप काउंटिंग इन द ब्लैंक्स। ए 26 और 29 नंबर दिया हुआ है। बच्चों, ये हम किस तरीके से फिल करेंगे? स्किप काउंटिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना नंबर स्किप है। 26 है, 27, 28 टू नंबर स्किप है, 29 तो फिल है। अब यहाँ भी हम टू नंबर स्किप करेंगे। 29 है, 31 स्किप कर देंगे, तो आ जाएगा 32, ठीक है। कितना नंबर आएगा? 32, वो हम फिल कर देंगे। ओके, फिर इसी तरीके से यहाँ आएगा 35, क्योंकि 33 और 34 स्किप करेंगे, तो आ जाएगा 35। फिर 38 फिल कर दीजिए, 41, 44, तो इस तरीके से ये फिल हो गया, है ना बच्चों। अब देखिए बी, 50, 55, यहाँ फोर नंबर स्किप है, 51, 52, 53 और 54, और 55 हम फिल किया हुआ है हमारा, तो इसी तरीके से हम फिर यहाँ फिल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 60, 56, 57, 58, 59 स्किप कर दिया, फोर नंबर हमने स्किप किया, तो आ गया 60। फिर इसी तरीके से फिल करेंगे हम 65, 70, 75, 80, ओके। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? सी और डी, ये आपको होमवर्क में खुद करना है। क्या करना है? 26 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, अब यहाँ कितना स्किप है? 27, 28, 29, थ्री नंबर स्किप है ना, 30 यहाँ फिल है, तो आपको ये थ्री नंबर स्किप करके फिल करना है, ओके। और डी में क्या करना है? 52 दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है, यहाँ आपका 53, 54, 55, 56, 57, यानी कि आपका फाइव नंबर स्किप होगा। यहाँ फाइव नंबर स्किप करके फिर आपको फिल करने हैं ये, ठीक है। तो ये आपको सी और डी होमवर्क में कंप्लीट करना है। तो बेटा लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू क्लास।